स्टूडेंट्स एवरीबडी, आज हम प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यह है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब आप विषम तो जानते ही होंगे, विषम संख्या क्या होती है? विषम होती है हमारी जो 2 से डिवाइड ना होती हो। ठीक है, माना विषम पूर्णांक a हो। ठीक है, विषम पूर्णांक ए हो। आप अब इसमें क्वेश्चन में ये दे रहा 6q+1 है ना, तो 6 जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा। यानी कि जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ इधर को कि 600 डिवाइड में जो ए से करना है तो हमारा क्वेश्चन आता है भागफल क्यू, मान लेते हैं क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बचता हमारा। ठीक है, तो वही ऊपर में लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे हम प्लस लिखते इक्वेशन नंबर वन मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमें ये देखना कि पूर्णांक विषम पूर्णांक छांटना ना, देखते हैं। तो जहाँ हम r का मान यहाँ रखते जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना कि r के मान हमेशा 600 छोटे होंगे, ना कि इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो जहाँ मैं लिखता हूँ, जहाँ r के संभव मान मान कितने कौन कौन से हो सकते हैं, r से हमेशा छोटे 0, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ये r के मान हो सकते हैं, है ना। अब हम इन आर की जगह इसमें रखेंगे, फिर 0 रखेंगे आर की जगह, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो बता देता हूँ रखकर कि जैसे मैंने a बराबर 6q+r है ना, इसमें मुझे r बराबर 0 पुट करना है ना, रखना, तो a बराबर 6q+0। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0 इसमें ऐड करने के होना, जो 6q आ जाएगा। फिर r बराबर मुझे 1 रखना है ना, तो r बराबर 1, तो यहाँ a इक्वल टू 6q+1, तो इसमें ऐड कर ही नहीं सकते, एक 1 कैसा कैसा है। फिर r बराबर मुझे 2 रखना, तो फिर इस वाली में रखेंगे a बराबर कितना जाएगा 6q+2, फिर r बराबर 3 रखेंगे, तो a बराबर कितना जाएगा 6q+3, फिर r बराबर कितना रखेंगे 4, इसी प्रकार सारे रखे मान ऐसे रखेंगे। ठीक है, r बराबर 5, तो a इक्वल टू 6q+5 है ना, ये मैंने आपको रख कर दिखा दिए। तो मैं यहाँ एक लाइन में ही बता देता हूँ कि r के मान क्रमशः 1 में रखने पर। ठीक, अब आर के तो समीकरण एक ही है इक्वेशन, तो ए बराबर हम जब 0 रखेंगे तो हमारा कितना आया था, हाँ आर बराबर 0 रखेंगे तो कितना आया था 6q, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर या बता देता हूँ इक्वल टू 6q। ठीक है, आपको ध्यान दें, फिर आर बराबर हमने 1 रखा आपको, तो 6q+1, अब आर बराबर इसी वाली इक्वेशन में रखेंगे 6q ऐसा कैसा है, प्लस आर की जगह कितना आ जाएगा आपका 2, फिर a बराबर 6q+ आपका r का मान कितना रखना 3 रखेंगे, फिर a बराबर आपको 4 रखना तो 6q+4, फिर 2+5। मैंने बताया था कि r का मान हमेशा 6 से कम होगा, कि अगर 6 से अबव होता है 6 होता तो ये 6 बन जाए, 1 टाइम चला जाता, अगर अबव होता तो तब भी चला जाता, तो इसीलिए r का मान हमेशा 6 से कम होगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो हमारा भाजक से हमेशा कम होता है। ठीक है, अब हम अगर विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं, पहले तो हम सम देखते हैं कौन कौन से सम, कि अगर मैं इसे 6q को 2 से डिवाइड करूं तो ये पूरा जा गया 2 3 6, यानी कि 3q आ गया, तो ये तो हमारा विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है ना। ठीक है, क्या इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, एक तो हमारा विषम पूर्णांक ये हो गया। ठीक, अब इसमें से 2 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा, हम ले लेंगे, और 3q तो अच्छा है, प्लस 2 1 2, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये तो हमारा 3q+1 आ गया है ना, तो ये तो सम है। अब हमारा ये विषम है क्योंकि 3 है, इससे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक ही हो गया।
अब हमारा ये देखते हैं फोर वाला है विषम है या नहीं, तो इसमें से मैंने टू कॉमन लिया तो थ्री टू जा टू थ्री जा सिक्स क्यू प्लस टू टू जा फोर, तो टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड हो गया। अब फाइव वाला देखते हैं तो फाइव तो टू से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हमें पता चला कि विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, कि एक तो हमारा सिक्स क्यू प्लस वन है, दूसरा सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, ऐसा कि क्वेश्चन में है यही चीजें बताई थी। अब हम कैसे लिखना, ठीक है, अब देखो हमें विषम पूर्णांक लिखना था ना, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे जो हमारा आंसर करेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ ए के मान है ना क्या कह रहे हैं, छ क्यू था है ना, छ क्यू प्लस टू और छ क्यू प्लस फोर, ये कैसे थे ये? जो टू से है ना पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यही ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें दो एक गुणनखंड है ना है, जबकि छ क्यू प्लस वन और छ क्यू प्लस थ्री छ क्यू प्लस फाइव जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि दो एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं छ क्यू प्लस वन छ क्यू प्लस थ्री और छ क्यू प्लस फाइव ऐसा विषम पूर्णांक है, यही आंसर पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करें।